Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ जिया। होली के चंदे को लेकर मजाक मजाक में की गई टिप्पणी ने मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में सांप्रदायिक विवाद हो गया। बीती रात यहां दोनों पक्षों की तरफ से पथराव किया गया। एक ऑटो को क्षतिग्रस्त करते हुए उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भाजपा से जुड़े लोगों ने मौके पर बाद में थाने पहुंचकर हंगामा किया। भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने भी कहा कि शहर की हवा बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सोमवार की सुबह भारी पुलिस बल के साथ एसपी सिटी पीयूष सिंह ने इलाके का दौरा किया। इस बवाल में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल ये वारदात रविवार की रात हरिनगर मोहल्ले में हुई। यहाँ पिछले 50 साल से पीपल के पेड़ के निकट होली दहन का कार्यक्रम होता चला आ रहा है। आयोजन से जुड़े लोग अमित गुप्ता, सोनू प्रजापति और मुल्लू आदि इलाके के लिए चंदा एकत्रित करते रहे थे। आरोप है कि तभी इलाके के पार्षद शहजाद मेवाती, भाई भूरा आदि के साथ वहाँ पहुँचे। चंदे को लेकर शुरू हुई मजाक के दौरान ये कह दिया कि चंदे की जगह भीख मांगे, हमसे भी चंदा ले लो और मुस्लिम बन जाओ। इसे लेकर वहां विवाद हो गया और फिर ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में मोहल्ले वालों की तरफ से अमित गुप्ता ने पार्षद मेवाती, फराज, तौसीफ, लल्ला, मोइन, आदिल आदि को नामजद किया है। मैं दे दूंगा ना, क्यों टेंशन। इस बारे में आज एसपी सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी फर्स्ट बाइट टीवी को दी। क्या अपडेट है अभी तक, कितने मुकदमे दर्ज हैं, कितने गिरफ्तार हैं? इसमें कल दो पक्षों को लेकर पहले आपस में विवाद, मार्केट पथराव के संबंध में, जिससे पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस और आसपास के थानों का फोर्स पहुंच करके स्थिति को नियंत्रित कर लिया था। इस समय स्थिति पूरे तरीके से सामान्य है, लोग अपने सामान्य काम में लगे हुए हैं। इस संबंध में थाना ब्रह्मपुरी में FIR पंजीकृत की गई है। इसमें जो दो मुख्य अभियुक्त थे जिनके साथ ये घटना प्रारंभ हुई थी, उनकी अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। अन्य नामजद अभियुक्तों की भूमिका की जांच करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, टोटल कितने नेम्ड हैं और कितने अज्ञात हैं? इसमें जो है FIR जो पंजीकृत हुई है, इसमें 30-35 लोगों को नामजद किया गया है और कुछ लोगों को अज्ञात किया गया है। बाकी लेकिन हम जो मुख्य अभियुक्त थे जिनके साथ ये विवाद शुरू हुआ था, उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है। बाकी के रोल को हम चेक करके एविडेंस के आधार पर आगे कार्रवाई अमल ला रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में ईंटें इकट्ठा होना, क्या ये पूर्व नियोजित था? मैम, ये जांच का विषय है, इसको जांच करने के बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। होली का त्यौहार है, आगे ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर क्या? इसमें देखिए, लगातार हम लोग फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। अरे वे लॉट हुई है, जहाँ जहाँ इस तरह के सेंसिटिव पॉकेट से वहाँ हमने स्टैटिक टिकट और गश्त का इंतजाम किया हुआ है। पलायन जैसी बात भी सामने आ रही है, पलायन जैसी बात भी सामने आ रही है, अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं आई है। सर, कितनी गिरफ्तारी हुई? सर, मैंने आपसे पहले बताया ना कि इसमें जो दो मुख्य अभियुक्त थे जिनके साथ ये घटना शुरू हुई थी, उनकी गिरफ्तारी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।